सो हे गाइज, वेलकम बैक टू माई ट्यूब चैनल। सो गाइज, आज की वीडियो में गाइज मैं आपको बता रहा हूँ कि जब गाइज आप फोन पे अपना कोई सा भी बैंक यहाँ पे चूज करके ऐड कर रहे हैं, तो फाइनली गाइज यहाँ पे आपका जो बैंक अकाउंट डिटेल है वो यहाँ से नहीं फाइंड हो पा रहा है, और फाइनली गाइज आप सामने अनेबल टू ऐड अकाउंट का इशू आ जा रहा है। तो फाइनली गाइज इस वीडियो में आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पे गाइज ये जो इशू आ रहा है इसको आप कैसे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर गाइज आप यकीन मानिए, अगर आप वीडियो को पूरा देखेंगे तो यहाँ पे आपको जो प्रॉब्लम को और यहाँ पे 100% सॉल्व हो जाएगा। तो गाइज आप वाकई में इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहते हैं, इसलिए गाइज आप वीडियो के साथ बने रहिए और वीडियो को पूरा देखिए। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की वीडियो को मैं शुरू करता हूँ। सो फाइनली गाइज अब चलिए बताता हूँ कि कौन सा इजी स्टेप है जिसको फॉलो करके गाइज आप यहाँ पर बहुत जल्दी आप फोनपे में अनेबल टू ऐड अकाउंट का भी इशू आप यहाँ पर सॉल्व कर सकते हैं। तो फाइनली गाइज आपको क्या करना होगा, चलिए गाइज यहाँ से मैं आपको शुरू से बताता हूँ। तो फाइनली गाइज अभी आपको क्या करना है, यहाँ से आप जो बैंक ऐड कर रहे हैं सिंपली गाइज आपको अपने इस फोन पे से यहाँ से एग्जिट हो जाना है, मतलब कि आपको पूरी तरह से इस फोन पे ऐप से आपको यहाँ से एग्जिट हो जाना है। अब देखिए गाइज जैसे आप फोन पे से पूरी तरह से एग्जिट हो जाते हैं, तो सिंपली गाइज अभी आपके फोन में आपका जो फोन पे एप्लीकेशन इंस्टॉल है, सिंपली गाइज आप इस पर क्लिक करेंगे। 2-3 सेकंड के लिए आप इस पर क्लिक करेंगे, तो सिंपली गाइज आप यहाँ डिलीट आइकन पे क्लिक करेंगे, या फिर गाइज आपको इंस्टॉल का ऑप्शन दिख जाएगा तो आप इंस्टॉल पे क्लिक करेंगे। तो ओवरऑल गाइज मिला जुला करके आप अपने फोन से जो फोन पे एप्लीकेशन है उसको यहाँ से इंस्टॉल कर देना है, इसको आप प्ले स्टोर से भी इंस्टॉल कर सकते हैं। अब देखिए एप्लीकेशन जैसे इंस्टॉल हो जाता है तो अभी आपको आगे क्या करना है, चलिए गाइज मैं आपको बताता हूँ। गाइज अब आपको आगे क्या करना है, सिंपली गाइज अभी आप जो वीडियो देख रहे हैं गाइज आपको इसी वीडियो के टाइटल पे क्लिक करना है। और गाइस जैसे भी हम टाइटल पे क्लिक करेंगे तो सिंपली गाइस अभी आप मोर पे क्लिक करेंगे। अब देखिए मोर पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे गाइस आपको फोन पे का लिंक मिल जाएगा, तो सिंपली गाइस आप इस लिंक पे क्लिक करेंगे। अब देखिए जैसे आप इस लिंक पे क्लिक करेंगे तो ये आपको प्ले स्टोर में यहाँ पे रिडायरेक्ट कर देगा। अब देखिए प्ले स्टोर में आपको जैसे यहाँ पे रिडायरेक्ट करता है तो सिंपली गाइस आप इंस्टॉल पे क्लिक करके इस फोन पे ऐप को यहाँ पे इंस्टॉल कर लेंगे। अब देखिए जैसे यहाँ पे इंस्टॉल हो जाएगा तो आप यहाँ ओपन पे क्लिक करेंगे। वेल गाइज अब देखिए जैसे आप यहाँ ओपन पे क्लिक करेंगे तो फाइनली गाइज अभी यहाँ पर आपके जिस बैंक के साथ इशू आ रहा था, तो सिंपली गाइज अभी आपके उस बैंक से जो भी नंबर लिंक है उस नंबर को आप यहाँ एंटर करेंगे और आप यहाँ प्रोसीड पे क्लिक करेंगे। अभी देखिए मैं मोबाइल नंबर को एंटर कर दिया, अब मैं यहाँ प्रोसीड पे क्लिक करता हूँ। अब देखिए प्रोसीड पे आप जैसे क्लिक करेंगे तो, और गाइज आप न्यू फोन पे यूजर हैं तो यहाँ पे आपको पासवर्ड सेट करने का ऑप्शन देगा। बट गाइज अगर आप फोन पे पहले से यूज करते थे तो आपके फोन पे का जो भी पासवर्ड होगा उसको आप यहाँ एंटर करेंगे। बट गाइज इनकेस मान लीजिए कि आप पासवर्ड भूल गए हैं तो कोई बात नहीं, गाइज आप यहाँ फॉरगेट पासवर्ड पे क्लिक करेंगे। और गाइज अब देखिए जैसे आप यहाँ क्लिक करेंगे तो यहाँ पे गाइज आप फर्स्ट ऑप्शन चूज करेंगे लॉग इन OTP वाला। अब देखिए ये ऑप्शन आप जैसे चूज करेंगे तो आपके नंबर पर OTP आएगा, OTP ऑटोमेटिक यहाँ फिल हो जाएगा और यहाँ पे देखिए वेरीफाई भी हो जाएगा। अभी देखिए OTP वेरीफाई हो चुका है, गाइज आप सब परमिशन आएगा तो आप यहाँ पर सभी परमिशन को स्टेप बाय स्टेप अलाउ करेंगे। अभी आप सब दोबारा परमिशन आएगा तो आप यहाँ अलाउ करेंगे। अब सिंपली गाइज आप सब ये पेज ओपन होगा तो सिंपली गाइज अभी आप क्या करेंगे, आप यहाँ स्किप पे क्लिक करेंगे। अब देखिए गाइज जैसे आप स्किप पे क्लिक करेंगे तो फाइनली गाइज आप देखिए आपके सामने आपके फोन पे का जो होम डैशबोर्ड होगा देखिए इस तरह से ओपन होगा। तो भी गाइज आपको यहाँ पे अपना बैंक ऐड करना है, गाइज यहाँ पे कुछ इस बैंक के साथ इशू आ रहा था, तो सिंपली गाइज यहाँ पे देखिए आपको अपने का ऐड बैंक अकाउंट का, तो सिंपली गाइज आप यहाँ पे भी क्लिक कर सकते हैं बैंक अकाउंट पर भी, या फिर सिंपली गाइज आप क्या करेंगे आप यहाँ प्रोफाइल आइकन पे क्लिक करेंगे। और अब देखिए प्रोफाइल आइकन पे आप जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे गाइज आपको ऑप्शन होगा बैंक अकाउंट का, तो आप यहाँ क्लिक करेंगे। अब देखिए बैंक अकाउंट पे आप जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे गाइज अभी आपको जिस बैंक के साथ इशू आ रहा था वो बैंक आप यहाँ चूज करेंगे। तो फाइनली गाइज यहाँ पे देखिए मैंने अपना बैंक यहाँ पे चूज किया बैंक ऑफ बड़ौदा, तो यहाँ पे देखिए जो डिटेल वहाँ से फाइंड हो रहा है। सो फाइनली गाइज अभी आप यहाँ पे लाइव देखिए कि मेरे सामने दोबारा से यहाँ पे इशू आ चुका। तो फाइनली गाइज अगर मान लीजिए कि आपके सामने दोबारा से इशू आता है तो फाइनली गाइज चलिए यहाँ पे देखिए लिखा हुआ रिक्वेस्ट फेल्ड एज द बैंक इज फेसिंग ए डाउन टाइम, प्लीज ट्राई लेटर और कॉन्टेक्ट योर बैंक फॉर हेल्प। तो सिंपली गाइज ये कह रहा है कि यहाँ पे जो इशू आ रहा है, यहाँ पे जो आपका बैंक है यहाँ पे डाउन टाइम चल रहा है, मतलब आपके बैंक के सर्वर के साथ यहाँ पे इशू फेस हो रहा है, जो कि आपके बैंक का जो सर्वर है वो काफ़ी डाउन चल रहा है, इस वजह से गाइज आपके बैंक का जो भी डिटेल है वो यहाँ से नहीं फेचिंग कर पा रहा है भाई फोन पे, इस वजह से गाइज यहाँ पे आपको अनिवार्य ट्वेट अकाउंट का यहाँ पे इशू आ जा रहा है। तो फाइनली गाइज यहाँ पे देखिए आपको इशू तब तक आएगा जब तक आपके बैंक का सर्वर यहाँ पे प्रॉपरली नहीं सही हो जाएगा। तो सिंपली गाइज आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको गाइज कुछ टाइम वेट करना है, जैसे ही आपके बैंक का सर्वर यहाँ पे सही हो जाएगा तो आपको दोबारा ऐड करना है, तो यहाँ पे जो बैंक अकाउंट डिटेल होगा वो यहाँ से फाइंड हो जाएगा, और जैसे फाइंड हो जाएगा वह डिटेल तो आप यहाँ पे अपना बैंक ऐड कर सकते हैं। तो फिलहाल गाइज इस मुझे आपको ये बताना था कि अगर आप सामने ऐसा कुछ इशू आता है तो यहाँ पे गाइज आपके बैंक का सर्वर से प्रॉब्लम है, ना कि फोन पे से। तो जैसे आपके बैंक का सर्वर सही होगा तो ऑटोमेटिक आप जो प्रॉब्लम यहाँ पे सॉल्व हो जाएगा। तो फिलहाल गाइज आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं गाइज फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।